अमेज़न जंगल में 8 मीटर लंबे एनाकोंडा से लेकर खौफनाक क्रोकोडाइल तक हर तरह का जीव इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। आज हम जिस जानवर की बात कर रहे हैं वो इस जंगल की फूड चेन में टॉप पर आता है। ये तेज जानवर अपनी खूबियों से जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है। आज की हमारी वीडियो का हीरो जैगवार है, जिसकी जंगल में अलग ही पहचान है। जैगवार को फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने, छलांग लगाने के लिए और पानी में तैरने के लिए जाना जाता है। लंबाई में 2 मीटर तक बढ़ने वाले जैगवार वजन में 100 से 150 किलो तक पाए जाते हैं। चलिए इसकी कुछ शिकार करने की वीडियोस आपको दिखाते हैं, उससे पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। इस क्लिप में जैगवार कैपिबरा को अपना शिकार बनाने की फिराक में है। 60 किलो भारी ये जीव अक्सर झुंड में रहते हैं। इस क्लिप में जैगवार गुपचुप आगे बढ़ते हुए नदी के किनारे तैर रहा है। जैसे ही इसकी नज़र कैपिबरा पे पड़ती है, ये अपने आप को स्थिर करके उसके करीब जाने की कोशिश करता है। शिकार को पकड़ने के लिए जैगवार कैपिबरा की ओर बढ़ता है। उसका साथी भी पीछे से जैगवार पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि कैपिबरा का हमला काम नहीं आता, लेकिन इस बार कुदरत का फैसला कैपिबरा की पक्ष में है। आप ये क्लिप देखिए, यहाँ किस्मत जैगवार का साथ दे रही है। आप जैगवार की स्पीड तो देख ही सकते हो, वैसे ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। ऐसे ही आप एक और क्लिप देखिए, जहां जैगवार ने कैपिबरा को पकड़ने के लिए दूसरी तरकीब अपनाई है और आगे से आकर अपने शिकार पर हमला किया है, ताकि वो खुद को बचाने के लिए पानी में न उतर सके। कैमन्स। साउथ अमेरिका में कैमन एक ताकतवर प्रजाति जरूर है, लेकिन जैगवार इस जीव को अपने भोजन के रूप में देखते हैं। इस क्लिप में कैमन किनारे पर धूप सेक रहा है, लेकिन तभी जैगवार का हमला उसे झुंझला कर रख देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही वार में जैगवार अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार देता है। एक दिन में जैगवार कम से कम 20 किलो मांस खा सकता है, और इसलिए शिकार करते हुए इसकी पहली पसंद बड़े जानवर ही होते हैं। ये क्लिप में जैगवार खुद को छिपा कर रखता है और मौका मिलने पर अपने शिकार पर कूद पड़ता है। वो बेखौफ कैमन की ओर बढ़ता है और उसको पूरी तरह पानी में उतारने से पहले जैगवार कैमन पर अपनी पकड़ बना लेता है। वैसे आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इसके पहले कि कैमन खुद को पूरी तरह से तैयार कर पाता, वो इस लड़ाई को हारने की कगार पर पहुंच जाता है और अपनी जान गंवा देता है। एनाकोंडा। क्या आप सोच सकते हो कि ये 17 फीट लंबे सांप से कैसे उलझता होगा? इस क्लिप में जैगवार ने एनाकोंडा के शरीर पर अपने दांत गड़ा दिए हैं और अंत में जैगवार की जीत होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार जैगवार ही एनाकोंडा से जीतता है, अक्सर बड़े आकार वाले एनाकोंडा जैगवार को अपना शिकार बना लेते हैं, खासकर पानी में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।